हार्ट रोग से ग्रसित मरीजों को अब गिरिडीह से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धनबाद के असरफी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सूरज चवण अब शहर के बोड़ो स्थित इमेजिका हेल्थ स्कैन सेंटर में अपना योगदान देंगे। बुधवार को इमेजिका हेल्थ सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में असरफी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक हरेंद्र सिंह, असरफी हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर सूरज चवण, सुभाष शिक्षण संस्थान के निदेशक संजय सिंह गुड्डू और चिकित्सक डॉक्टर मिहिर कुमार झा समेत इमेजिका के स्टाफ हेड विशाल कुमार भी मौजूद थे। तक अनुभव है कि जो मरीज यहाँ से धनबाद ट्रैवल करके जाते हैं उसमें बहुत सारे मरीज का को बचाना संभव कई बार नहीं हो पाता है। उसका एक प्रमुख कारण है कि मरीज देर से पहुँचते हैं। तो हम लोगों का जो पर्पस है कि हम लोग मरीजों को जागरूक करें कि जब भी छाती में दर्द हो उसके लिए आपको तुरंत इलाज के लिए प्रयास करना है और ये सर्टेन करना है कि क्या हुआ है, उसका जांच और निदान जरूर मिले। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ पर ओपीडी अभी दूसरे बुधवार को और चौथे बुधवार को शुरू कर रहे हैं। सुभाष शिक्षण संस्थान के चेयरमैन गुड्डू सिंह ने कहा कि गिरिडीह में हार्ट से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन वक्त पर इलाज नहीं मिलने के कारण मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब ऐसे में धनबाद के असरफी हॉस्पिटल ने बोड़ो के इस इमेजिका हेल्थ सेंटर में चिकित्सक देने की स्वीकृति दी है, तो निश्चित रूप से लोगों को अब राहत मिलेगी, क्योंकि इमेजिका में जिन उपकरणों की जरूरत है वो सारे उपकरण यहाँ मौजूद हैं। दूसरी तरफ वक्त पर इलाज मिलने से लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। पेशेंट यहाँ से दुर्गापुर, रांची, धनबाद जो मूव करते हैं, रास्ते में कैजुअल्टी हो जाती है, वो कैजुअल्टी होने से अब बचेगा, देन एंड देयर यहाँ पर जो है उसका इलाज होगा। और चूंकि डॉक्टर साहब असरफी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं और धनबाद का असरफी हॉस्पिटल तो आपको पता ही है, वो एक झारखंड का आइकॉन हॉस्पिटल है, तो वहाँ तो अब ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी सारे कुछ हो रहे हैं। और आगे चल के अभी तो ओपीडी हम लोग यहाँ चालू कर रहे हैं इसमें इमेजिका में, और यहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ है टोटल टेस्टिंग का, आगे भी और जो फैसिलिटीज होंगे। वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञ डॉक्टर सूरज चवण ने कहा कि जीवन शैली खराब होने के कारण हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ रही है। आपात हालत में गिरिडीह में कार्डियक ओपीडी की व्यवस्था होनी ही चाहिए थी। उन्हें जानकारी दी गई कि यह सेवा यहां उपलब्ध नहीं है, ऐसे में यहां के मरीज भगवान भरोसे ही हैं। लेकिन अब असरफी हॉस्पिटल के सहयोग से बोड़ो के इसी मैजिका में कार्डियक ओपीडी की सेवा हार्ट रोग से पीड़ित मरीजों को मिलेगी। अभी हम गिरिडीह में ओपीडी की सुविधाएं शुरू कर रहे हैं यहां इमेजिका हेल्थ सेंटर में, इसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का है। तो बेसिकली गिरिडीह के जो हार्ट के मरीज है उनको बहुत सारा भागदौड़ करना पड़ता है, इधर धनबाद या बंगाल में जाना पड़ता है, तो उनके लिए अभी यहीं पे सारी सुविधाएं प्राप्त की जाए इस तरह सा प्रयास है। शुरुआत में अभी तो ओपीडी का सुविधाएं जारी की जाएंगी दूसरा और चौथा बुधवार को, और स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ें भी की जाएंगी। सिंपल एक 2D को का जांच कराने के लिए भी लोग यहाँ से उठ के धनबाद तक ट्रैवल किया करते थे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे एडल्ट और छोटे बच्चों के भी हार्ट के सारे प्रॉब्लम्स का जांच और निदान यहीं पे हो जाएगा। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TNT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।